खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिनफिन एयर कंडीशनर, अब बिजली का बिल आधा, ठंडक ज्यादा। सिनफिन एसी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आपको जो है पिछले टाइम से राज्य किसे सुना रहे हैं, पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से 1982 में सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद जो है चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हमने बताया कि किस तरह से 1987 में 85 सीटें जो है गैर कांग्रेसी आई, चौधरी देवीलाल जो है सांसद चुने गए, उसके बाद वो केंद्र में उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है मुख्यमंत्री बने, और फिर घटित हुआ महम कांड के कितने बड़े दुष्परिणाम आए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है 3 बार मुख्यमंत्री बने और उन्हें जो है बार बार जो इस्तीफे देने पड़े, बाद में जो है प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद 1991 में जो है प्रदेश में दोबारा चुनाव करवाए गए। उस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ही जो है इलेक्शन लड़ा गया। उससे कुछ दिन पहले ही जींद में एक रैली में राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इस बार लाल नहीं सिंह होगा। लाल से उनका मतलब भजनलाल और बंसीलाल से था और सिंह का मतलब वीरेंद्र सिंह से था। इस बात से खपा होकर और अपनी राजनीतिक देखी को देखते हुए चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास मंच के नाम से एक जो है रजिस्टर्ड मंच रजिस्टर्ड करवा लिया था। बाद में यही मंच जो है पार्टी के रूप में जो है रजिस्टर्ड हुआ और 1991 का इलेक्शन जो है इसी मंच के नाम पर लड़ा। जैसे ही चुनाव हुए उसका रिजल्ट आया, कांग्रेस को जो है इस चुनाव में मिली 51 सीटें। हरियाणा विकास पार्टी जो चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में लड़ी थी उसको मिली 12 सीटें और उसने गठबंधन किया था जनता दल से। जनता दल जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पार्टी थी। उस जनता दल के भी जो 3 विधायक चुने गए थे उनमें चंद्रावती जी, वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी और हरि सिंह नलवा जी, यानी जनता दल और हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन को मिली 15 सीटें और 16 सीटें मिली थी जनता पार्टी को। जी हाँ, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जो हरियाणा में इलेक्शन लड़ी थी जनता पार्टी उसको 16 सीटें मिली थी। उसके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसमें सबसे बुरा काम यह हुआ कि खुद जो है गिराए थे चौधरी देवीलाल, इलेक्शन हार गए थे। चौधरी रणजीत सिंह को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था, तो चौटाला परिवार से या देवीलाल परिवार से कोई भी आदमी जो है विधायक बनकर नहीं आया था। बीजेपी से 2 विधायक चुने गए थे, शाहबाद से खैरतीलाल शर्मा, केएल शर्मा और महेंद्रगढ़ से रामबिलास शर्मा जी। इस बार जो है नई नवेली बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में पार्टी बनी थी और हरियाणा में जिसने इलेक्शन लड़ा था, उसके भी नारायणगढ़ से एक सुरजीत सिंह धीमान जो है विधायक बनकर आए थे और 5 विधायक जो है निर्दलीय जीते थे, जिसमें गोहाना से चौधरी किताब सिंह मलिक, सडोरा से चौधरी शेर सिंह, ताउडू से जाकिर हुसैन, नीलोखेड़ी से जयसिंह राणा जी और आसी से मिर्चंद मक्कड़ जी। सबसे बड़े विधायक क्योंकि पार्टी होने के नाते कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री पद पर दाव बनता था, राजीव गांधी जी का जो है उसी समय 21 मई को तमिलनाडु के एक शहर में चुनाव प्रचार करते हुए देहांत हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए केंद्र में जो है प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव जी और हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना था चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को। जी हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह बिल्कुल युवा 45 साल के नेता थे। इससे पहले जो 77 में विधायक बन चुके थे, 82 में विधायक बनकर मंत्री बन चुके थे, 84 दिसंबर में जो है लोकसभा के हिसाब से सांसद बन चुके थे, उन्होंने उपराज चौटाला को हराया था और 91 में जो है 3री बार विधायक बने थे। हरियाणा के जो है कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया था, उनका मुख्यमंत्री बनना तय था। लेकिन चंडीगढ़ दिल्ली में चौधरी भजनलाल ने कहा कि इस बार जो है विधायकों की मीटिंग होगी, विधायक जिसको नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री चुना जाएगा।
पता है कि चंडीगढ़ जाते जाते जो है चौधरी भजन लाल ने विधायकों से समर्थन संपर्क सामना शुरू किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर के द्वारा चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने विधायकों को ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। हालांकि सभी को जो है टिकट जो वीरेंद्र सिंह के द्वारा दी गई थी उनके जीते विधायक ज़्यादा थे, लेकिन दो बड़े कारण हुए जिसे चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, दूसरा जो है चौधरी भजन लाल ने विधायकों के रस्ते में मानवहार करनी शुरू कर दी थी, और तीसरा बड़ा कारण था शमशेर सिंह सुरजेवाला। शमशेर सिंह सुरजेवाला भी उन्हीं के बांगर क्षेत्र से आते थे। इससे पहले जो है उचाणा नरवाना में जिससे नरवाना हल्का होता था, तो उनकी जो आपस में राजनीतिक दावत भी थी और किसी भी हाल में बांगर में दूसरा मुख्यमंत्री एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। बताया जा रहा है कि विधायकों को इकट्ठा कर उनकी राय ली गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह का व्यवहार थोड़ा उस समय जो अहंकारी हो गया था, उन्होंने विधायकों से ढंग से बात नहीं की। मुझे एक बार जो है हमारे सोनीपत जिले के रोड से तत्कालीन बने विधायक उकम सिंह दैया, उन्होंने बताया था कि वो विधायक बनने के बाद वीरेंद्र सिंह से मिलने गए, तो वीरेंद्र सिंह ने चाय पानी के लिए पूछा ढंग से रुके व्यवहार से बात की, जबकि वो हरियाणा प्रदेश में जो है कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने जा चुके थे और सीनियर विधायक से पहले एक बार वो जो है पहले विधायक चुने जा चुके थे। चौधरी बजलाल ने उनकी बड़े दिल से आओ भगत की और उन्हें जो मंत्री बनाने का वादा भी किया। वो तो इसी का दुष्परिणाम रहा कि विधायकों से एक एक मिलकर जो है राष्ट्रीय प्रवेशक आए और एक एक से मिलकर जो राय जाननी चाहिए। तो बता रहे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के और चौधरी भजन लाल के लगभग लोग जो है बराबर विधायकों ने जो है समर्थन किया। बता रहे हैं कि 23 विधायक जो भजन लाल के फेवर में थे और 22 विधायक थे वीरेंद्र सिंह के फेवर में, लेकिन 6-7 विधायक ऐसे थे जिनकी संख्या 8 तक भी जा सकती है जो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के समर्थक थे, जिसमें उस समय जो है तेजी मान साहब, खुद सुरजेवाला साहब गिराए से तत्कालीन विधायक बने, चौधरी देवीलाल को हरा कर आए छत्रपाल सिंह जी, ऐसे 6-7 विधायक जो है सुरजेवाला के खेमे में थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला के 6-7 विधायकों ने तुरंत जो है वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर बहिष्कार कर दिया और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उसके नाम में उन्होंने नंबर 2 पर जो है वो दिलाई शमशेर सिंह सुरजेवाला को, उन्हें इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर बनाया। लेकिन चौधरी भजनलाल रहते के बड़े ही काग नेता थे, उन्होंने 1993 में शमशेर सिंह सुरजेवाला को रेस्वा में भेज दिया और वीरेंद्र सिंह को जो है मंत्री के रूप में ओद दिला दिया। हालांकि एक साल बाद वीरेंद्र सिंह को भी चलता कर दिया, वो कांग्रेस तिवारी में चले गए थे। और कमाल की बात देखो दोस्तों, शमशेर सिंह सुरजेवाला को इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 93 के उपचुनाव में जो रेस्वा में चले गए, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो उनके सुपुत्र और आजकल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया प्रभारी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने चौधरी भजनलाल को मैसेज भेजा कि मैं अपने आप चुनाव जीत लूंगा। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला टक्कर में आए और जाटों के बहुत सारे वोट चौटाला को जाते हुए दिखाई दिए, तो नॉन जाट के नेता के रूप में भजनलाल फेमस थे, उन्होंने जो है चौधरी भजनलाल को बुला भेजा कि आप जो है मेरे पुत्र के उसमें एक रैली कीजिए। चौधरी भजनलाल राजनीति के बड़े गाग खिलाड़ी थे, उन्होंने एक लाइन से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार निश्चित कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं सुरजेवाला का शान सारी उम्र नहीं उतार सकता, सुरजेवाला ने वीरेंद्र सिंह के बजाय अपने 7-8 एमएलए समर्थन देकर मेरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया, और भाइयों मैंने बुलावा भी नहीं था। इसका कहना था कि जाट आपने पसंद नहीं करते, लेकिन नॉन जाट आपने पसंद करे, इसलिए मैं चुनाव आया हूँ, भाई नॉन जाटो मेरी इज्जत रख लियो। उसका बड़ा जो ध्रुवीकरण हुआ चुनाव में और बड़ा नुकसान हुआ रणदीप सिंह सुरजेवाला को, रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि राजनीति सूद को सूद का नाम है, राजनीति बड़ी जो है भाग्य में लिखी हुई रेखाएं होती हैं, जो इसका भाग्य में होता है। अब आप देखिए चौधरी भजनलाल जब भी मुख्यमंत्री बने हमेशा किसी और के सिरे को ले उठे। 1979 में चौधरी देवीलाल की सरकार को तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए, 1982 में सबसे बड़े विधायक होने के नाते चौधरी देवीलाल का हक था उसको उन्होंने जो दरकिनार किया और मुख्यमंत्री बन गए। 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेहनत को दरकिनार करके मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चाहे राजनीतिक जीवन है चाहे वैसा जीवन है, हमेशा से ये कहा जाता है कि जो आप करते हो आपको वो भुगतना पड़ता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में चौधरी भजनलाल को वो भुगतना ही पड़ा। हर चीज़ आदमी को जो है ब्याज समेत इस जीवन में ही देकर जानी होती है, चौधरी भजनलाल साथ वही हुआ। 2005 में जो 3 साल तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने खूब मेहनत की और उनके दम पर ही जो है कांग्रेस के 60 से ज़्यादा विधायक आए, तो मुख्यमंत्री बन बैठे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
चौधरी भजनलाल ने जो वीरेंद्र सिंह के साथ किया वही चौधरी भूपेंद्र सिंह वही चौधरी भजनलाल के साथ हुआ। और दोस्तों पूरी जीवन चौधरी भजनलाल जो है चाहे वो 79 है 82 है 91 हर बार जो है विधायक तोड़ लेते थे दूसरी पार्टियों के। जब उन्होंने हजका बनाई तो उनके भी 6 में से 5 विधायक जो है टूट गए थे, उनके सुपुत्र अकेले जो कुलदीप बिश्नोई रह गए थे। तो दोस्तों राजनीतिक जीवन हो या सादा जीवन हो, हमेशा जीवन में जो है आप जो करते हैं उसको आपको इसी जीवन में जो है चुकाना पड़ता है। तो इसलिए हम आप कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के भाग्य में राजयोग नहीं था, हालांकि अब तो राजनीतिक रूप से जो है संन्यास ले चुके हैं। और आज कुछ टाइम पहले उन्होंने खुद बताया था कि उनके गले में कैंसर है, इसलिए वो राजनीतिक जीवन में ज़्यादा जो है नहीं निभा पाएंगे, सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए 45 साल की उम्र में आज से 30 साल पहले किस तरह से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। धन्यवाद।